तेलंगाना में किसकी सरकार, ये अगले 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट से पहले दावे और वादों की भरमार है। AIMIM चीफ असद ओवैसी का दावा है कि राज्य में एक बार फिर BRS की सरकार बनेगी। इसके बाद ही ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जमकर निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि तेलंगाना में कांग्रेस से गठबंधन की जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। उन्होंने कहा कि जहां दो नेशन पार्टी रहेंगी वो राज्य बर्बाद ही हो जाएगा। उधर तेलंगाना के CM KCR की बेटी कविता का दावा है कि BRS इस बार राज्य में सीटों का शतक लगाएगी। कविता ने उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच कुछ सीटों पर समझौते की बात कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का सिर्फ AIMIM के साथ गठबंधन है, बीजेपी मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। चुनावी पंडित भी मानते हैं कि तेलंगाना में लड़ाई कड़ी है, ऐसे में कांग्रेस भी पूरा दम लगा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि इस बार कांग्रेस तेलंगाना में जीत दर्ज करेगी। खड़गे ने कहा कि KCR ने तेलंगाना को लूटा है। उन्होंने CM KCR पर फार्म हाउस में बैठकर सरकार चलाने का आरोप लगाया। साफ है तेलंगाना की लड़ाई दिलचस्प बनती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस और BRS है तो दूसरी तरफ बीजेपी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2018 में BRS ने 88 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 119 में से 19 पर जीत मिली थी, AIMIM को 6 सीटों में, वहीं बीजेपी ने महज 1 सीट जीती थी। इस चुनाव में सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन अभी तक जनता ने अपना फैसला नहीं सुनाया है। राज्य में 3 नवंबर को मतदान है, जिसके साथ ही जनता अपने फैसले को EVM में कैद कर देगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें।